आओ सुनिए प्रिंसिपल सुजान सिंह की लिखी हुई कहानी खून। मैं जिला अंबाले के एक पिंड के निक्के जिहे महाविद्यालय का अध्यापक सा। मैं उतो अंबाले जाना सी एक कॉन्फ्रेंस देखन, एक मित्र नु मिलन, डॉक्टर नु दंद दिखाउन ते खबरे होर की करन जो हुण मैनू याद नहीं। जिस स्टेशन तो मैं गड्डी चढ़ना सी ओह कोई 5 मील दी विथ ते सी। मैं तपते सूरज दी दोपहर विच 2 मील पेंडा कर चुका सा जद पहे विच मैनू 2 अन्ने टोहणी नाल राह टो टो के तुरे जांदे दिसे। मैं कोलों लंघ ही तुरिया सा जद उन्हां विचों अगले ने अमृतसरी पंजाबी विच सरदार जी करके आवाज मारी। मैं हैरान होके खड़ो गया, किथे जाना जे सरदार जी, उस फिर पुछा। मैं हैरान सा कि ओ मैनू सरदार जी दी थां मियां जी क्यों नहीं कहिंदा, जदके ओदियां अखां विच डेले ही नहीं हन। पर खैर मैं उत्तर दिता, नगावें टेशन। गड्डी आउण विच किन्ना वक्त है, उस कुछ अधीनगी जिही नाल पुछिया। मैं कोट दी बांह खिंच के घड़ी देखदिआं कहा 40 मिंट। फिर उसे अन्ने ने मिन्नत नाल कहा, सरदार जी जे तकलीफ ना मनो तो सानू भी उत्थे लै चलो, इस तरह ते असी पहुंच नहीं सकते। मैनू तरस आ गया ते मैं गर्मी तो बचण लई कोट बांह उत्ते पा के उसी टंगोरी फड़ लई। टोयां टिब्बियां तो बचाउंदा, वक्त दी तंगी नू समझदा, मैं अपनी तेज चाले तुरन लग पिया। राह विच मैं पुछया, यार सूरमा सिया तू किवें पछाण लिया कि मैं सिख हाँ। उस थोड़ा जिहा हस के कहा, तुहाडे बूटां दी चाल तो। अच्छा, मैं हैरानी नाल कह ही रहा सा कि वह छेती ही मुड़ के बोलिया, तुसी अमृतसरीए हो, लंबे हो, पतले हो ते नाले कुछ शुकीन जे जापते हो। मैं पैरों पैर वध दी हैरानी नूं दबाउंदिआं कहा, ओ किदां? सरदार जी तुहाडी बोली दसदी है। मैं समझ गया कि इह कोई मामूली आदमी नहीं अते फिर पुछिआ, यारो जाणा कित्थे जे? दूजा सूरमा जो हाले तक नहीं सी बोलिआ बड़ी सुरीली आवाज नाल कहन लगा, सरदार जी अंबाले। की करन? कॉन्फ्रेंस विच सरदार जी, उत्थे इक कॉन्फ्रेंस होनी है, उत्थे राग भी होणगे, असी उत्थे जावांगे। अच्छा तुसी रागी हो? पहले ने कहा, नहीं जी एवें मामूली ठीहा ठप्पा कर लईदा है। इस तरह राग उत्ते गल्लां छिड़ पईआं जिस दे दौरान विच उन्हां मैनूं दस्या राग की है, गुरबाणी ते राग दा की संबंध है, गुरबाणी विच राग नाल घर अखर दा की अर्थ है, सुर की हुंदी है, ताल की हुंदी है, सुर ताल कट्ठे किवें लगदे हन, एक राग दा दूजे राग नाल फर्क किवें बणदा है, मोटे मोटे रागां दे गाण दे समें किहड़े हुंदे हन ते रुत्तां किहड़ियां आदि। उन्हां ने बाजारी रागियां, चिमटा पार्टियां ते आम गजलां गाण वालियां उत्ते करड़ी पड़चोल कीती। जे थोड़ी बहुती राग दी समझ मैनूं सी उस तों सच्चे प्रतीत होण लग पे। अंबाले जा के गाण दा उशाह ते उमाह उन्हां विच बहुत सी। स्टेशन तों 1/2 मील दी विथ ते दूजे सुरमे ने साडे कदमां दे ताल ते बन के एक चीज गाउणी शुरू कीती, हिंदुस्तानी गायन चार्ज कृष्णा राव तों। ओह मैनू ताल विच पक्का मलूम हुंदा सी ते सिनेमा दे माहिर गवैये सहगल कोलों भी मिठा। उसदी मींड ते गूंज के सी जे नूं परे सुटदी सी ते तान नारायण राव नूं मात पांदी सी। मैं मुड़ के पिछा देखिया, उस दियां गल्लां दी लाली प्रशंसा दियां चाहवन अखां वांग किसे वल देख रही सी।
जे मैं सोहनी कुड़ी हुंदा तो सारी दुनिया नूं छड़ के उस नाल प्यार करदा। जे मैं अमीर हुंदा, मैं अमीर नहीं सां, सालां तो बेकार नूं 4 महीने लई कार मिली सी, पिछले कापे ही नहीं मिले सन। इन्हां जादूगर अन्यां नूं सूट ते टाई हेठों किते मेरी गरीबी दिस ना पवे। उसका गीत मुक चुका सी, मैं दाद कोई ना दिती, सगो पुछया कि अंबाले दी टिकट किन्ने दी आउंदी है। गाउण वाले सूरमे ने कहा, सानू की पता सरदार जी, कि तुसी कदे अंबाले नहीं गए, असी सूरमे पैसे नहीं खर्चदे, वे दौड़ चढ़दे हाँ ते रेल वाले साडे उत्ते तरस खांदे हन। मैं क्या ते गड्डी स्टेशन उत्ते आउंदी दिसी। मैं डंगोरी छड़ के कहा, सीधे रस्ते छेती छेती पहुंचो, मैं नस के टिकट लै लवां। गड्डी स्टेशन उत्ते खड़ी सी, मेरी टाई दे रोब विच आ के स्टेशन मास्टर ने टिकट छेती दे दिती। गड्डी चलन वाली सी, मैं विच बैठ गया। ठीक उस वेले मैनू सूरमे चेते आए, बूहा बंद हो चुका सी। ओह जंगले नाल खड़े सन, स्टेशन दा नौकर उन्हां नूं अंदर नहीं सी आउण दिंदा। नाल दे डब्बे विचों लमकदे सिपाही नूं मैं उन्हां वल इशारे नाल तकाया। उस स्टेशन मास्टर को सिफारिश कीती, पर उस आकड़ के कहा, ए मेरा काम है। गड्डी फप फप करके तुर पई। शेक्सपियर दे दुखांतां विच कोई अजिहा दर्दनाक सीन नहीं सी लभ्या। दो अन्ने जंगलेदार बूहे नाल मौत फरकी निराशा विच बगे ते गड्डी दे तुरन दी आवाज़। उफ, मैं चीक उठ्या, खून खून, किसदा खून? एक पढ़े लिखे जेंटलमैन ने अपनी सीट तो मेरे वल घबरा के आंदिया पुछया। आसां दा, मैं शुदा दे जोर विच मत्थे उत्ते हाथ मार के पिटिया। किस दियां आसां दा? उन्हां अन्यां दियां आसां दा, मैं बाहर इशारा करदियां कहा। सेंसिटिव फूल, उस आख्या ते कहंदा कहंदा अपनी थां ते जा बैठा। धन्नवाद।